छत्तीसगढ़ में बदले गए हैं दो योजनाओं के नाम। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का बदला गया है नाम और अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना होगा इसका नाम। साथ ही साथ राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का भी नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर दो योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। दोनों ही योजनाओं के नाम पहले राजीव गांधी योजना थे और अब राजीव गांधी की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना इनका नाम कर दिया गया है। पहली योजना है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, जिसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाएगा। दूसरी योजना राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना है, उसका भी नाम बदल दिया गया है और अब इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना के नाम से जाना जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। छत्तीसगढ़ में बदल दिए गए हैं दो योजनाओं के नाम। पहले जो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना थी वो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना होगी। वहीं पहले जो राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना थी वो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना होगी और इसको लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी भी कर दिया है आदेश। तो लगातार हम जो देख रहे हैं कि कभी जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, कभी तमाम सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, तो अब ये सिलसिला नाम बदलने का ये योजना तक भी पहुंच गया है। अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से जुड़े हैं। खोमन, ये नाम बदलने का सिलसिला जो है वो अब योजनाओं तक पहुंच गया है, क्या इसको लेकर पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए दो प्रमुख योजना है जिनका नाम बदला गया है, पंडित दीनदयाल किया गया है। उसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान इसका नाम बदला गया था। इसको लेकर भी उस समय भी सियासत हुई थी, अब फिर से सियासत जो है वो हो रही है। कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार कुछ नया योजना नहीं ला रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान जो योजना संचालित होती थी छत्तीसगढ़ में, उसी का नाम बदल कर चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास कुछ नई योजना रणनीति नहीं है, इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। लेकिन पिछले जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तब से कई ऐसी योजना है जिसका नाम बदला गया, इस पर लगातार सियासत हो रही है। हालांकि जब कांग्रेस सरकार बनी थी उस दौरान भी कई ऐसे बीजेपी सरकार की जो योजना संचालित की जा रही थी उनका भी नामकरण बदला गया था। तो कुल मिलाकर जब भी सरकार बदली जाती है राज्य में तब नामकरण जो है वो दूसरा किया जाता है। बिल्कुल, इतिहास यही कहता है कि जब राज्य में सरकार बदलती है तो योजनाओं के नाम बदलते हैं और भी तमाम चीजों के नाम बदलते हैं। और अब जब राजीव गांधी योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना कर दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर इस पर सियासत गर्म होगी ही होगी।